रीट भर्ती के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और अब जल्द ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएंगे, तो इसलिए रीट के जो फॉर्म है वो जिन्होंने नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दे। इसके अलावा मैं बात करूंगा कितने फॉर्म भरे गए हैं और क्या चल रहा है लेवल फर्स्ट में। देख सकते हो आप, शिक्षक भर्ती लेवल 1 दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि कल, जो आज है। पात्रता जांच 11 से 24 मार्च तक बीकानेर रीट लेवल 1 में चयनित कैंडिडेट को 15,500 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कल एक जो कैलेंडर था वो भी जारी हुआ है, हमारे चैनल द्वारा आपको बताया गया है। शिक्षक भर्ती 2021-22 में चयनित अभ्यर्थी को अप्रैल तक नियुक्ति मिलने की संभावना है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसमें कहीं लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी हैं जो अभी भी जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर अभी भी जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई राहत नहीं मिली और जो भी जिनका सिलेक्शन होगा उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। चयनित कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच का काम संबंधित DO प्रारंभ की ओर से 11 मार्च से 24 मार्च तक किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 11 मार्च से प्रारंभ हो गए 24 मार्च तक। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कान्हा राम ने इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। जो शिक्षा निदेशक में होते हैं उन्होंने इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में लेवल 1 के जो 15,500 पोस्ट हैं उनको 31,000 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिन्हें 10 मार्च तक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों, आज 9 तारीख है, कल कल का समय है। खुद का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के निर्देश दिए गए। वंचित स्टूडेंट के पास अब 2 दिन का समय है, उन्हें 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने आप दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट की ओर से होम एड्रेस भी लिखा गया है, इसके आधार पर चयन सूची में जिला अंकित है उसी जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को उपस्थित होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित अवधि 11 से 24 मार्च उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक कैंडिडेट या जो कैंडिडेट हैं उनको एक निश्चित दिनांक और समय पर बुलाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में SMS भी किया जाएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को मॉड्यूल में भी दिखाई देगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो फार्म कितने भरे गए हैं सभी के लिए ये कि, तो दोस्तों अभी तो फार्म भरे जा रहे हैं लेकिन 65% कैंडिडेट ने किए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड और 35% अभी भी वंचित है और मात्र 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। और अधिकांश स्टूडेंटों ने फार्म भर दिए हैं। अब वो 35% कौन है ये आप देख सकते हो। शॉर्ट लिस्टेड किए गए 31,000 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया 5 मार्च से चल रही है और पिछले 4 दिन में प्रदेश के 20,000 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए। शेष 11,000 कैंडिडेट को 10 मार्च तक ये काम पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने वाले कैंडिडेट को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को 10 मार्च तक सलाह दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 11 मार्च। दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली लर्न द्वारा बनाई गई। इस डेली लर्न ने IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ये भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किस बात कर रहे हैं? जय लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इनाम जीती। आज से 24 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। तो कान्हा राम निदेशक जो शिक्षण निदेशालय बीकानेर से बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हो अभी तक मात्र 65% ही लोगों ने फॉर्म अपलोड किए हैं। अब जो भी बच्चे हैं उनको जल्द ये फॉर्म अपलोड। इसके अलावा ये BEd और BSc विवाद की जो कल सुनवाई के लिए अर्जेंट वो लगाई गई थी एप्लीकेशन, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना। अब जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है। इस भर्ती में किसी प्रकार से नहीं लगता कि लेवल फर्स्ट में किसी प्रकार से अवरोध होगा, इसलिए इस प्रकार की बड़ी अपडेट है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।